हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम निफ्टी स्कैल्पर, जो मेरा पिछला वर्शन था स्कैल्पर का, जो इसका नाम चेंज करके मैंने एक नया टूल लेके आया हूँ। ओके, उसका नाम है स्कैल्पी। ओके, विथ न्यू वर्शन, विथ न्यू फीचर्स एंड विथ न्यू GUI इंटरफेस। ओके फ्रेंड्स, सो मैं फटाफट से इसको रन कर देता हूँ। ओके, सो मैं इसको रन कर देता हूँ। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कैल्पी का न्यू वर्शन, दैट इज़ वर्शन 4.2। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या मिलेगा, सो इसके बारे में मैं एक बार ब्रीफ में आपको दिखा देता हूँ कि क्या क्या है इसमें फीचर। ओके, लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि निफ्टी स्कैल्पर वर्शन था, वो वर्शन था 3.1, जो लास्ट वीडियो मैंने एक दो महीने पहले बनाया था। ओके, अभी मैं इसको पुली कस्टमाइज़ करके नया वर्शन लेके आया हूँ, इसको इम्प्रूव्ड वर्शन विथ फास्टर परफॉर्मेंस एंड ऐसे स्मॉल स्मॉल बहुत सारे फीचर्स हैं। मैं इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या है। मैं अभी इसको लॉगिन कर देता हूँ। ओके, और लॉगिन करने के लिए जो भी आपको क्रेडेंशियल्स डालना था, ये सब आपको पता है। ओके, इसमें आपको मेन आपको क्या क्या फीचर्स मिलेंगे मैं आपको बता देता हूँ। पहले लास्ट इसमें आपको सेट डिफ़ॉल्ट का ऑप्शन था, रिस्क मैनेजमेंट का ऑप्शन था। अभी इस न्यू वर्शन में आपको ऑटो ट्रेलिंग का भी फीचर मिलेगा और आप अपीयरेंस का भी यूज़ कर सकते हो। मतलब आप थोड़ा लाइट डार्क ऐसे भी आप UI का थोड़ा लाइट मोड भी कर सकते हो, आपका अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट। ओके, और यहाँ पर नया है कि ऑटो ट्रेलिंग का है। ओके, और सेटिंग्स में आपको क्या क्या डालना है, जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में मैंने बता दिया था कि क्या क्या कैसे आपको क्या क्या API की पासवर्ड वगैरह क्या क्या डालना है, इसमें आपको सेटिंग्स में जाके सेट करना है। ठीक है, और सेट डिफ़ॉल्ट में आपको जो भी है यहाँ पर, आप किस मार्केट में लेना चाहते हैं, आपको SLA टारगेट डिफ़ॉल्ट में रखना चाहते हैं, कितना पॉइंट्स, कितना लॉट साइज़, कितना ट्रेल पॉइंट्स, वो सारे आप फिट करके रख सकते हो। यहाँ पर आपको ट्रिगर पॉइंट के बे ट्रिगर रेंज के बारे में भी बता दिया था मैंने लास्ट वीडियो पे। वहाँ पर आप अपने मार्केट के वॉलेटिलिटी के हिसाब से आप यहाँ पर सेट कर सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी 0.05 को सेट किया है। ओके, नहीं तो आप यहाँ से एडिट करके आपका जो भी रिक्वायरमेंट है, आपका जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यूज है, आप पहले ही यहाँ पर डाल के रख सकते हो। ठीक है, मैं अभी इसको क्लोज़ कर देता हूँ। नेक्स्ट आपको यहाँ पर मिलेगा रिस्क मैनेजमेंट टैब में, जो भी है आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया था, जो मिनिम मैक्सिमम लॉस होने पर आपका पूरा स्वेयर ऑफ हो जाना चाहिए, वैसे आप टारगेट में भी आप ऐसे डायरेक्टली सेट कर सकते हो। ओके, ये टूल स्पेशली आपको रन होगा फिनविशिया और फ्लैट रेट में। ओके, इस वर्शन वाले टूल। ओके, सो नेक्स्ट आपको यहाँ पर है ऑटो ट्रेलिंग का। ओके, ऑटो ट्रेलिंग का आपको पॉइंट यहाँ पर है, यहाँ से आप यहाँ पर ऑटो ट्रेलिंग चेकबॉक्स क्लिक करें किया तो आपका ये फीचर काम करेगा, जो कितने प्राइस के मोमेंट पर आपको कितना ट्रेल करना है, इसको आपको पहले ही डिसाइड करके रखना है। ओके, नहीं तो आपका ये काम नहीं करेगा। पहले ही आप डिसाइड करके रख सकते हो और ऑटो ट्रेल को क्लिक कर सकते हो, बेस्ड ऑन मोमेंट आपका जो भी है वो आपका ट्रेल होता रहेगा इसमें। ओके, सो ये था ऑटो ट्रेलिंग। बाद में अपीयरेंस टैब में आपको जो ट्रांसपेरेंसी लेवल है, मैंने यहाँ पर 1.0 रखा है। आप चाहिए तो और भी इसको ट्रांसपेरेंट बनाना है आपको UI को, आप 0.8, 0.7, 0.5 जो भी आपका है, आपके चार्ट वगैरह देखने के लिए आपको इजी हो, इसलिए आपको इस पर सेटिंग करना है। मैं यहाँ पर डिफ़ॉल्ट 1.0 रखा है, आपके हिसाब से आप इसको कैसे सेट करते हो आप बाद में देख लेना। ओके, ये था ये वाला, मैंने यहाँ पर ऑलरेडी लॉगिन कर लिया था। ओके, मैं यहाँ पर सिंबल निफ्टी सेलेक्ट करता हूँ। ओके, यहाँ पर मैंने और भी एक सिंबल ऐड किया है निफ्टी नेक्स्ट 50 का। पहले लास्ट वीडियो में, लास्ट फीचर में, लास्ट वर्शन में आपको इन चारों इंडेक्स का ऑप्शन था। ओके, इन फ्यूचर में और भी बैंक सेंसेक्स का भी मैं काम चल रहा है, एक बार होते ही मैं इसको भी अपडेट करने के लिए कोशिश करूँगा। ओके, और यहाँ पर अभी फ़िलहाल नेक्स्ट 50 का मैंने ऐड किया है, आप चाहिए तो इसको भी, इसमें भी आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो मैं फ़िलहाल निफ्टी को सेलेक्ट करता हूँ। ओके, और यहाँ पर आपको जो भी इंडेक्स की वैल्यू है, अंडरलाइंग वैल्यू है, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी, इसका आपको लाइव प्राइस भी दिखाई देगा मार्केट टाइप पर। ओके, ये था आपका ये, यहाँ पर आपको बाकी का सारा सेम है जो भी है। ओके, और यहाँ पर मैंने थोड़ा परफॉर्मेंस इम्प्रूवमेंट किया है, सो इसके वजह से आपका एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होने वाला है। ओके,
यहाँ पर और एक ऑप्शन मैंने यहाँ पर है कि क्या है, सो MTM जो है, अगर आपको MTM नहीं दिख रहा है तो इसको क्लिक कर सकते हैं, आपको MTM दिखने लगेगा। पोजीशन में आपको जो भी ऑर्डर्स ओपन पड़ा है इसके हमारे वेब, आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ से आप डायरेक्टली एग्जिट भी कर सकते हो कितने क्वांटिटी के हिसाब से। ओके, ये था, और बाकी सब सेम है जो भी पिछले वीडियो में आपने देखा था। तो पिछले वर्जन में कुछ लोग यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, सो ये वर्जन उनको काम आने वाला है अगर वो अपडेट करते हैं तो। ठीक है, सो बाकी के सारे फीचर सेम है, मार्केट ऑटो लिमिट, SL लिमिट, ओके, और यहाँ पर लिमिट टारगेट, अगर आपको नहीं चाहिए टारगेट और लिमिट नहीं रखना है, आप यहाँ पर नन भी रख सकते हो, ये भी ऑप्शन है। ओके, और यहाँ पर कितने पॉइंट्स का आपको SL रखना है वो वाला। ओके, फिर बाय डिफ़ॉल्ट मैं 10 पॉइंट का SL रखता हूँ, और एक क्वांटिटी है अब डिफ़ॉल्ट क्वांटिटी, जो यहाँ पर मैंने लास्ट वीडियो में था जो क्वांटिटी का ऑप्शन मैंने रखा था, अभी उसको मैंने डायनामिक बना दिया है, जो ऑटोमेटिकली API की मदद से जो भी क्वांटिटी मार्केट में चल रहा है वो ऑटोमेटिकली उठा देगा। ओके, सो उसको मैंने हटा दिया है इस फीचर को क्वांटिटी के। ओके, वो अभी डायनेमिकली एक्सेस कर लेगा। ठीक है, सो ये था ओवरव्यू, और यहाँ पर ट्रेड बुक है, ट्रेड बुक में आपके सारे ऑर्डर्स और सारे जो भी आपने ट्रेड लिया है इसके बारे में आप यहाँ पर देख सकते हो। ओके, और यहाँ पर सेपरेट एग्जिट सी एग्जिट पी का भी ऑप्शन है, अगर आपको कॉल साइड का जो भी पोजीशन आपको एग्जिट करना है आप एग्जिट सी पी प्रेस कर सकते हो, अगर पुट साइड का ऑप्शन को एग्जिट करना है आप सारे ऑर्डर्स को एग्जिट पी की मदद से पूरा ऑर्डर्स को एग्जिट कर सकते हो। ओके, और ये फ्लिप मोड बाकी सारे आपको पता ही है कैसे काम करता है। ओके, अगर आपको पता नहीं है तो आप लास्ट वीडियो या पिछले वीडियोस में जाके आप देख सकते हो, नहीं तो मैं वीडियो के नीचे में व्हाट्सएप का ग्रुप का एक लिंक भेजा है, उसमें आप जाके मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट भी कर सकते हो। सो नेक्स्ट, यहाँ पर मैं अभी मेरा ब्रोकर भी ओपन करके रखा हुआ है, जो मैं फटाफट से मैं आपको एक बार दिखा जाता हूँ कि कैसे चल रहा है। ओके, मैं यहाँ पर मार्केट में हूँ, मैं अभी बाई सी कर देता हूँ। ओके, बाई सी यहाँ पर ऑर्डर्स में बाई सी, यहाँ पर आप देख सकते हो स्पीड भी, आप देख सकते हो कितने फास्ट ऑर्डर वगैरह एग्जीक्यूट होता है। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हो 1546, 1546। ओके, अगर आपको पुट साइड का लेना है, पुट साइड का भी आप ऑर्डर को एग्जीक्यूट फटाफट से यहाँ से कर सकते हो, और आपको एग्जिट करना है सी साइड, सी भी एग्जिट कर सकते हो, पी भी एग्जिट कर सकते हो, अगर आपको सेल करना है सेल भी कर सकते हो आप। सेल के लिए आप, मैं पी को सेल करूँगा, पी को सेल करते ही आपका जो भी ऑर्डर है चला जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपका SL भी यहाँ पर लग जाएगा। ये पर्टिकुलरली फॉर मार्केट ऑर्डर्स है, अगर आपको ऑटो लिमिट में काम करना है ऑटो लिमिट भी आप काम कर सकते हो, नहीं तो लिमिट में भी SL लिमिट में भी आप काम कर सकते हो। तो करंट प्राइस के नीचे भी आप ऑर्डर लगा सकते हो, करंट प्राइस के ऊपर में भी आप ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। मैं यहाँ पर SL लिमिट में चला जाता हूँ, और यहाँ पर बाई करते ही आपको एक पॉपअप नज़र आएगा, यहाँ पर आपको प्राइस डालना है कितने प्राइस में आपको ऑर्डर को बाई करना है। सो मैं यहाँ पर 150 को डाल देता हूँ। ओके, यहाँ पर एंटर करते ही जो भी आपका ऑर्डर है चला जाएगा। ओके, अगर मैं आपको ऊपर की तरफ भी आपको बाई करना है, अगर 170 में भी आप डायरेक्टली इसमें बाई कर सकते हो। ठीक है, ये था ये सारे कॉमन फीचर जो भी है पिछले वीडियोस का इम्प्रूवड वर्शन है, इसमें बहुत सारे चेंजेस किए गए कि परफॉर्मेंस बहुत ही फास्ट रहेगा, आपका एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा। ओके, और यहाँ पर और भी एक ऑप्शन है, यहाँ पर रिफ़्रेश OI का, हर 3 मिनट में ये OI डेटा रिफ़्रेश होगा। ओके, और ये मैंने वैल्यूज़ लिया हुआ है ऊपर के ATM से ऊपर के 4 स्ट्राइक प्राइस और नीचे के 4 स्ट्राइक प्राइस को। ओके, जो मोस्ट ऑफ़ द पीपल उसी को यूज़ करते हैं जो मार्केट के ट्रेंड को पता नहीं करने के लिए, सो कितने साइड ज़्यादा वेट है देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, सो ये था इस टूल स्कैल्पी वर्शन 4.2 के बारे में। ओके, अभी जो भी टूल्स इन फ्यूचर अपडेट आएंगे, जो नाम होगा स्कैल्पी, जो मैंने ऑफिशियली इसको स्कैल्पी करके रखा है। ओके, सो और इसका रिलेटेड एक वेबसाइट भी ऊपर बना दिया है, आपको मैं दिखा देता हूँ। ओके, और आपको इसको लेने के लिए आपको सिंपली करना क्या है कि आपको 3 दिन का ट्रायल मिलेगा इसको यूज़ करने के लिए। आप इसको यूज़ करने के लिए आप सिंपली यहाँ पर जाइए, वेबसाइट में जाइए, यहाँ पर आपको
scalpy.app करके मैंने एक वेबसाइट बनाई है, यहाँ पर आप जाके डायरेक्टली टूल को डाउनलोड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर डाउनलोड कर दो। ओके, इसका प्राइसिंग एक बार हम देख लेते हैं। ओके, फ़िलहाल प्राइसिंग क्या है कि पर मंथ 499 का पर मंथ प्राइस है। अगर आप एक साल का ले लेते हो जो प्राइस होगा 3500। ओके, जो भी आपको अपडेट्स होगा इन फ्यूचर, आपको रेगुलर अपडेट्स भी मिलते रहेंगे, जो भी चेंजेस करते हो वो भी आपको मिलते रहेंगे, जो भी आपका निफ्टी बैंक निफ्टी फिर निफ्टी ये जो है। और यहाँ पर आपको दोनों नहीं है, ये सिर्फ अगर आप लेते हैं फिनवेशिया के लिए 3500। अगर आपको फ्लैट रेट का भी चाहिए तो दोनों मिला के आपको 7000 पे करना पड़ेगा। ओके, अगर आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट करते हो तो मैं थोड़ा, अगर आप दोनों लेते हो तो मैं थोड़ा डिस्काउंट में भी आपको एक साल का दे दूँगा। सो ये वाला है। और एक कोटक, कोटक का भी मेरे पास टूल है। कोटक फ्लैट रेट अलग अलग है। ओके, और आपको सिंबल्स मिलेंगे निफ्टी बैंक निफ्टी निफ्टी मिड कैप निफ्टी और निफ्टी नेक्स्ट 50। ओके, और आपको अपडेट्स भी मैं प्रोवाइड करूँगा। ओके, रेगुलरली जो भी अपडेट्स होगा मैं आपको दूंगा। ओके, अगर आपको लाइफ टाइम के लिए चाहिए तो मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, कुछ अच्छे प्राइस में मैं आपको इसको लाइफ टाइम के लिए भी प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, ये था इस न्यू वर्शन स्कैल्पी टूल का डेमो। ओके, और इसका डिटेल डेमो जानने के लिए मेरे पिछले वीडियोस पे भी देखिए, सेम प्रोसेस है और कुछ नहीं है इसमें। इम्प्रूव थोड़ा बहुत इम्प्रूव किया हुआ है। और यहाँ पर पोजीशन कैंसिल जो भी कोड बेस है उसको बहुत ही अच्छे से इम्प्रूव किया हुआ है। ओके, और अगर आपको डाउनलोड करना है टूल को, यहाँ पर जाइए और यहाँ से आप डाउनलोड पे क्लिक करिए। डाउनलोड करते ही आपको एक ए वाला पेज खुलेगा। ओके, यहाँ पर आपको स्कैल्पी फिनवेशिया फ्लैट रेट कोटक न्यू के लिए और रुपीजी के लिए चारों के लिए टूल्स अवेलेबल है यहाँ पर। यहाँ पर जाके आप डाउनलोड करके आप सेटिंग कर सकते हो। बाद में इसके सेटिंग के दौरान आपको आपको लाइसेंस की ज़रूरत पड़ेगी। लाइसेंस की के लिए फिर से आपको स्कैल्पी डॉट ऐप पर आना है और यहाँ पर आपको लाइसेंस की को जनरेट करना है। इनिशियली आपको 3 डेज़ का लाइसेंस फ्री में मिलेगा। आप ट्राई कर सकते हो जो भी आपका OTM या कोई भी टेस्ट करने के लिए। ओके, इसको जनरेट करके आप ट्राई करो। अगर आपको सूटेबल लगता है टूल काम का है तो आप बाय कर सकते हो। ओके, और इसको बाय ये करने के लिए आपको आपका आपके पास एक जीमेल आईडी होनी है। जीमेल आईडी से आप लॉगिन करो और आपका नंबर डाल के आप यहाँ पे ट्रायल लाइसेंस की को जनरेट कर सकते हो। ओके, ये था इसका ए वाला फीचर। अगर आपको जो भी कस्टम इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, आप मुझे पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। मैं आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं कस्टम इम्प्लीमेंटेशन भी करके दूंगा। इसके लिए चार्जेस अलग रहेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये था इस वीडियो में। ओके, स्कैल्पी वर्शन 4.2 के बारे में। ओके, आप ट्रायल पे यूज़ करके देखिए, आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो में इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट वर्शन लेके या नेक्स्ट ब्रोकर के वर्शन लेके। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।